कि जहां तक मुझे बताया कि लगभग 18 से 20 साल का आपका फील्ड का एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग का पहले से है, और आपने एकदम जीरो से हीरो का सफर तय किया नेटवर्क मार्केटिंग में। जब आप जीरो से हीरो का सफर तय करके सक्सेसफुल थे देन, और इंडिया में मजे की बात की अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं, तभी आप कहीं ना कहीं उस लेवल तक पहुंचे थे। जब इंडिया में ऑलरेडी कंपनीज पहले से थी, तो ऐसा क्या रीजन रहा कि आप अपनी कंपनी खोलने का आपके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों एक और नई कंपनी इंडिया के अंदर खोली जाए? क्या रीजन रहा? देखिए, पहली चीज को समझिए अखिलेश जी, मुद्दा हीरो का या जीरो का नहीं है जी। मैं जीरो होता तो भी खोलता, मैं हीरो होता तो भी खोलता। जीरो हीरो सक्सेस या फेलियर डिसाइड नहीं करेंगे आप क्या करना चाहते हो। आपके अंतरात्मा में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या चल रहा है, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिलो दिमाग में इतने साल से एक सवाल हमेशा से चलता रहा, पहला कंपनी टू कंज्यूमर अगर ये कॉन्सेप्ट है तो यहाँ प्रोडक्ट का रेट महंगा क्यों हो जाता है जी? हम हमेशा से कहते हैं होलसेलर डायरेक्ट सेलर को होलसेलर का रिटेलर का इसका 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 पैसा मिलेगा, तो ये प्रोडक्ट महंगा क्यों हो जाता है? और इस सवाल का जवाब जब आप ढूंढने जाते थे ना, तो एक ही जवाब मिलता था कि भाई जहां से आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, पे आउट भी वहीं से ले लो। और ये है ना, कोई जस्टिफाइड आंसर नहीं था, ये चुप करा देने वाला तमाचा था। दूसरा, मुझे हमेशा लगता था कि इतने साल इस इंडस्ट्री को हो गए, 20 साल इंडस्ट्री को हो गए, क्योंकि उस वक्त लगभग 20 हो गए थे, आज 25 से ज्यादा हो गए हैं जी, 26वां चल रहा है अभी, तो 20 साल हो गए, और ये इंडस्ट्री आज भी उस तरफ नहीं जा रही है जिधर ये जा सकती है। क्योंकि इस इंडस्ट्री की खूबसूरती है साहब, इस इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर आप अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हो तो दूसरे लोगों को आपको वो सब कुछ सिखाना पड़ेगा जो आपको आता है, यस यस यस, और उसको अप्लाई करने में उनकी मदद करनी पड़ेगी, उनको मीटिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उनको स्किलफुल बनाना पड़ेगा। ये इकलौता बिजनेस है जहां आप अपनी सक्सेस को तभी पा सकते हैं जब आप किसी की दूसरे की सक्सेस के लिए भी मेहनत करें। लेकिन इस बिजनेस में एथिक्स और प्रिंसिपल्स, ये दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके सिद्धांत और आपके एथिक्स नहीं है, मैं बोलूं ईमानदार नहीं है आप, तब तक इस इंडस्ट्री में कुछ भी बड़ा नहीं किया जा सकता। और यानी मैं मान लूं कि सर इनकी कमी आपको महसूस होती है इंडस्ट्री में, इसलिए आपने प्रयास किया खोलने का? नहीं, मैं ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि बहुत ईमानदार लोग इस इंडस्ट्री में हैं, बहुत मेहनती लोग और सिद्धांतों वाले लोग इस इंडस्ट्री में हैं, इसकी कमी होना नहीं कहूंगा, इनफैक्ट उसको अगले चरण में लेके जाना इंपॉर्टेंट था। अगला चरण का मतलब है जहां आप अफोर्डेबिलिटी की भी बात कर सको, जहां आप कस्टमर सेंट्रिक भी कंपनी को बना सको, कि सिर्फ बेचने वाले नहीं, बेचने वालों के लिए खरीदार का इंतजाम करना भी कंपनी की जिम्मेदारी बने, कि कंपनी वैसा रेट रखे, वैसी क्वालिटी दे, वैसा प्रोडक्ट लेके आए, वैसी अवेयरनेस कैंपेन लेके आए, वैसे तरीके से कंपनी मार्केट करे प्रोडक्ट को कि वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहे, तभी तो बेचने वाले का काम थोड़ा सा आसान होगा। क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ जुड़ो जोड़ो जीतो की पॉलिसी पे आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिल्ड नहीं कर सकते। लोगों को डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलर डायरेक्ट सेलर, भैया जब कोई बायर ही नहीं है, सब ही बेचने वाले हैं। मैं फिर बोलता हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, बेचू राम सब है, खरीदू मल कोई नहीं है, तो मुझे ये बताओ खरीदेगा ही कोई नहीं तो बेचू मल को मिलेगा क्या? सही है। तो मेरी आइडियोलॉजी में कुछ एक चैलेंजेस जो मुझे लगते थे इस इंडस्ट्री को लेके, जैसे ओवर प्राइसिंग एक है, मैक्सिमम डायरेक्ट सेलर्स, मिनिमम कस्टमर बेस, इस इंडस्ट्री का एक बड़ा चैलेंज है। और तीसरा जो है, स्मार्ट वर्क के नाम पे लोगों को सेल करने को चीप बिजनेस समझा देना, मतलब सेलिंग बिजनेस में हो पता नहीं कैसा माइंडसेट है। स्मार्ट वर्क, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया स्मार्ट वर्क की परिभाषा क्या है। स्मार्ट वर्क जो बिजनेस आप कर रहे हो उसे कितना स्मार्टली कर सकते हो, अब आपका स्मार्टली करने का तरीका क्या है जिससे आउटपुट ज्यादा आए, आउटपुट कस्टमर बेस से आएगी या बेचने वालों से आएगी? आप बेचने वाले जितने मर्जी ले आओ, आप कोल्हू कितना ही बड़ा लगा लो, गन्ना है ही नहीं, गुड़ बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। चीनी बनेगी क्या? बिल्कुल नहीं बनेगी सर। तो गुड़ और चीनी तभी बनेगी जब गन्ना आएगा। इस इंडस्ट्री में
सेल तब तक नहीं आएगी जब तक कस्टमर नहीं आएगा, कस्टमर आएगा, कंज्यूमर आएगा, तो ही बेचने वालों को कुछ पैसा मिलेगा और वो तब मिलेगा जब खरीदार होगा, वरना क्या होगा, आप कमाते रहो खरीदते रहो, कमाते रहो खरीदते रहो, आप ही खरीदार हो, आप ही बेचने वाले और खुश होते रहो, आज मैंने बेचा आज मैंने खरीदा। यानी कि जो मैं कंक्लूजन निकालूं तो जो आपकी आइडियोलॉजी ये थी कि जो अभी तक इस मार्केट से अछूता था कंज्यूमर की, कंज्यूमर बेस कोई कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में भी नहीं दिख रही थी, आई थिंक उस गैप को फिल करने के लिए आपने एफर्ट डाला कि अपनी कंपनी खोले, ऐसा कुछ? देखिए जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करना चाहते हो तो आपके दिमाग में दो चीजें चल रही होती हैं, एक तो ये चल रहा होता है कि वी विल डू समथिंग बेटर, डेफिनेटली सर, और दूसरा ये भी चल रहा हो सकता है कि वी विल अर्न मनी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे पर्पज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पर्पज क्या है आपका, आपका पर्पज सिर्फ पैसे कमाना है या पैसे कमाना है या सही के साथ पैसे कमाना है या इंडस्ट्री को बेहतर बनाते हुए बेहतर दिशा में ले जाते हुए एक जेन्युइन प्रॉफिट जनरेट करना है, तो पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पर्पस क्या था कि जो चैलेंजेस हमें नजर आते हैं, चाहे वो ओवर प्राइसिंग है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर मतलब एक्सेस में सेंट्रिक हो जाना, कस्टमर सेंट्रिक नहीं रहना, चाहे फिर मैं बात करूं राइट मोटिवेशन की बजाय स्किल्स पे जाना, चाहे मैं बात करूं कि रॉन्ग प्रमोशंस को हटा के एथिकल प्रमोशंस और जेन्युइन और साइंटिफिक प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हुए आगे बढ़ना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे ऐसा लगती थी लगता था कि हम कर सकते हैं। और जब कर सकते हैं ना, तो आप किसी को समझाने जाते हो या आप किसी से डिस्कस करते हो तो वो कहता है अच्छा आपको इतना ही आता है तो फिर खुद ट्राई कर लो, तो समटाइम्स क्या होता है फिर वो खुद ट्राई कर लो कि फीलिंग दो चार बार सुनने के बाद जहन में ओके आ जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ने फोर्स किया कि जाओ और खोलो, प्रूफ करो अपने आप को। नहीं, इंडस्ट्री हर किसी को फोर्स करती है और कोई भी इंडस्ट्री फोर्स करती है, चैलेंज हर किसी को मिलते हैं, कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो फॉर मी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना मेरा मतलब पर्पज था ही नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर था कि मैं इन मुद्दों पे जरूर डिस्कस करना चाहता था। मैं ओवर प्राइसिंग को लेके कंसर्न था, मैं कस्टमर सेंट्रिक ना होने को लेके कंसर्न था, मैं क्वालिटी पैकेजिंग और प्राइस तीनों का एक स्टेशन पे नहीं होने को लेके, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होने को लेके कंसर्न था, मैं जो शोबिज इसको बना दिया गया था इस इंडस्ट्री को लेके उसको कंसर्न था, क्योंकि ये शोबिज एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ जो कुछ कमाता है वहीं लगा देता है, कुएं की मिट्टी कुएं में लग जाती है, ये बिजनेस शोबिज नहीं होना चाहिए। बिजनेस है ना कस्टमर सेंट्रिक होते हुए डायरेक्ट सेलर को राइट एजुकेशन दे के वो जो कमा रहा है उस कमाई को वो अपने घर पर बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सके उस पर होना चाहिए। तो ऐसा क्या रीजन थी कि आप दिल्ली में इतनी बढ़िया ऑफिस ले सकते थे, उसके बावजूद आपने अपनी ऑफिस से काम क्यों स्टार्ट किया? ऑफिस को लेके आने का पहला पर्पज सिर्फ ये था कि ज्यादा समय दिया जा सकता है,